साउंड कर रही है बड़ी ज़्यादा यार। शिट 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 सच में यार, एक बार ना बाइक हाथ में बैठनी चाहिए, फिर उसके बाद तो ना आप इसको जैसे मर्जी चलाओ। अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छोटे से बाइजर के पार्ट को डालने के लिए ना पूरी बाइक खोलने पड़ी है। अभी का सीन कुछ ऐसा ना, अभी मैं जा रहा हूँ निखिल के घर BMW को लेने, मतलब तो कुछ एक पार्ट्स हैं वो चेंज करवाने हैं, तो अभी चलते हैं और सीधा ना उसके घर से बाइक उठाते हैं। यार सच बताऊँ ना आज बड़ी ज्यादा गर्मी है, 31 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई निकलते हैं अभी। मैं सच बताऊँ ना आज इतनी ज्यादा गर्मी है ना, 31 डिग्री सेल्सियस बता रहा था और इस टाइम पे 31 डिग्री सेल्सियस है, बाहर नहीं निकल सकते बता आज इतना टेम्परेचर है। मैंने आज नॉर्मली कुर्ता डाला हुआ है सिंपल बस। चलते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या सीन है बाइक का। सबसे पहले तो हम अपनी बाइक को वहाँ पे निखिल के घर पे खड़ा करेंगे, फिर BMW उठाएंगे और उसके बाद उसको लेके जाएंगे कांगड़ा। ऐसे तो 3 बजने वाले हैं, 3 बजे तक मैं निखिल के घर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद सीधा चलेंगे हम TVS शोरूम। एक तो ना इसकी जो नंबर प्लेट है ना यार, उसका एक स्क्रू ना बार बार लूज हो जाता है, उसकी साउंड आने स्टार्ट हो जाती है। अभी आ रही है पीछे से साउंड कर रही है बड़ी ज्यादा यार। शिट 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 शिट, इसको लगा ही लेता हूँ, क्या फायदा हो फिर नंबर प्लेट ही गिर जाए। ये देखो यार, ये है ना बड़ा ज्यादा साउंड दे रहा है यार। ये बड़े स्क्रू लगाने पड़ेंगे यहाँ पे जो ना फेयरिंग को लॉक करने के लिए लगते हैं। वो देखो वो दिख रहा होगा आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं, तो वैसा कोई स्क्रू लगाना पड़ेगा। 3-4 पे पहुंच गया भाई निखिल के घर। BMW निकालते हैं। आंटी जी कोई नाराजगी नहीं, क्या नाराजगी होनी मैं हूं ना कपाई भी समझो और ठीक है ना। तो पता कौन दे ये हाँ ये चलो भाई बाइक को करते अंदर पार्क। ले ऐसा अंदर रख लेने दे दिया मुझे सामान। BMW के लेके निकलते हैं, कॉल स्टार्ट तो हो गई है। हाँ 57 हो गई है। ठीक आंटी चलो भाई निकलते हैं अभी। बाइक के साथ क्या सीन है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर पहुँचते हैं। बंद हो जाएगा शोरूम फिर मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो अंकल। ओ भाई एक मार दिया यार किसी ने। शिट ये वो था, वो नहीं होता है लिजार टाइप जिसको हम यार अपनी पहाड़ी भाषा में वो बोलते हैं गो जी ओ गो वो वाला नहीं, बट होता है जो पहाड़ी है उनको पता होगा कि हाँ क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ थी ये छोटी वाली, इतना सा था ये, इतना सा। मैं और क्या ही बोलूं बाइक का फ्रंट टायर स्किड हो गया था। मैं सच बताऊं तो ये तो सही है कि अपने पास ABS है। तो समझे यार बंदे ने बाहर से आ जाते हैं ना यहाँ पे, इनको पता नहीं कैसे चलानी है बाइक यहाँ पे या गाड़ी। नहीं सच में यार, एक बार ना बाइक हाथ में बैठनी चाहिए, फिर उसके बाद तो ना आप इसको जैसे मर्जी चलाओ किसी भी बाइक को। मैं चीज की बात कर रहा था ना जो हमने बाइक में चेंज करवानी है अभी, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना इसके, और साथ में इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो डलवाने हैं। और भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। वो जो वाइजर जैसा लेके गए थे वो इंस्टॉल करवाना है और साथ में रेयर ब्रेक पैड। हाँ देखो आप ब्रेक पैड्स भी हैं रेयर वाले, ख़त्म ही हैं ऑलमोस्ट सारे। हाँ पूरे ख़त्म है ये अभी ना। ये देखो एक बार चेक करो, आप आपको दिखाता हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा भाई घर में सारा सही सीन है। ये देखो ख़त्म है ये सारे ऑलमोस्ट ना, सारा ख़त्म है। पिस्टन बाहर आ गया, वो इसका तो ये डलवाने हैं और साथ में ये डलवाना भाई कुछ इस तरह से है भाई, ये डलवाने, ख़राब हो गया यहाँ का। अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छोटे से बाइजर के पार्ट को डालने के लिए ना पूरी बाइक खोलनी पड़ी है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, चलते हैं। ये देखो भाई
इस तरह से खोल लिए पूरी बाइक सिर्फ एक उस पार्ट को डालने के लिए। थोड़ी सी मिनिमल जैसी साउंड आ रही थी ना, वेट जैसी बड़ी गंदी सी साउंड थी, वो भाई ने बोला कि वो इसी चीज़ की थी, ये जो आपका लूज हुआ था मतलब जो भी हमने डलवाया था बाइजर या कुछ भी बोलते हैं इसको, कि भाई इतने पार्ट को डालने के लिए ना पूरा फ्रंट खोलना पड़ा BMW का, अब तो सही हो जाएगी अपनी बाइक। तो सीन कुछ ऐसा अभी फ्रंट का तो वो डलवा लिया हुआ ना, बाइजर का टाइप कुछ भी था, ब्रेक पैड सभी मिले नहीं यहाँ पे, ब्रेक पैड सभी KTM देखते हैं, KTM चलता हूँ, होप की KTM शोरूम खुला हो, मिल जाएगा वहाँ पे, बंद हुआ तो नहीं मिलेगा, बंद हो गया होगा यार शायद KTM शोरूम, शिट मैन। इतने का ये पार्ट नहीं है ना, उससे महंगा तो भाई लेबर ही है, राउंड राउंड आप लग रहे 300 रुपए का पार्ट था ये, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए 450 रुपए लेबर लगी है। रिएक्शन जो मिलते हैं ना इस एग्जॉस्ट के टाइटेनियम लगा हुआ भाई, रिएक्शन तो मिलेंगे, लाउड तो होगी साउंड इसकी। पीछे वाले ब्रेक पैड्स हैं नहीं, एक कार लेके आने पड़ेंगे। अभी हम घर पहुंच गए हैं और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज जो है ना फ्रंट में स्क्रू लगे हैं, अंदर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो ये चेंज हुआ, ये है वो जो पहले वाला था पुराना, ये था क्योंकि इसका ये खराब हो गया था, ये देखो आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा चीज लगाई हमने, ये दब खराब हुआ था जब एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए बाइक दी थी ना, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब ज्यादा स्क्रू टाइट कर दिया था, कुछ करा था तो उसके कारण खराब हो गया था। और एक चीज की यार अपने ब्रेक पैड्स है ना उनके बारे में बता दूं आप, तो वो भी मतलब एक तरह से खत्म हो चुके हैं, दिखाता हूं मैं आपको एक बार। तो ये देखो मेरा लोअर जला ना, तो वो ये मेरे लोअर का डिजाइन है यहाँ पे जो भी आई है सारा, कल हम आराम से जो है ना करवा लेंगे सही से अपनी बाइक का। KTM शोरूम इसलिए नहीं गया अभी क्योंकि अगर जाता तो बंद हो जाना था और अपना बेला फालतू का चक्कर लगना था, तो इसलिए मैं नहीं गया। ब्रेक पैड्स हम कल डलवाएंगे, तो सेम एज इट इज जो KTM में डलते हैं सेम वही ब्रेक पैड्स फ्रंट और रेयर में डलते हैं, क्योंकि ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं दोनों बाइक्स में। आज सेकंड डे, बाइक का वो काम नहीं करवाया, ब्रेक पैड डलवाने से वो नहीं डलवाए, वो निखिल डलवा लेगा, आई थिंक वो मंडी में जाके डलवाएगा अपने ब्रेक पैड्स वगैरह जो भी हैं। तो अभी चलते हैं और सीधा बाइक लेते हैं भाई अपनी जाके, और एक कांड भी कमा दिया यार उसने, मेरी ना नंबर प्लेट का एक स्क्रू निकल गया था, उसके बाद उसने पूरी खोल दी है। जब मैंने RC ली थी उसके ना 2 महीने के बाद ये बाइक ले ली थी, इसका टायर देखो आप, ये देखो अभी तक इसका वही टायर चला जो स्टॉक आया, लेकिन मेरी RC 390 जो है ना उसमें थर्ड पेयर डलेगा, और रेयर वाला टायर है ना वो थर्ड टायर होगा, वो किक शिफ्टर की वजह से यार, जो भी मतलब डिसएडवांटेज है ना वो टायर के लिए, वो सारा किक शिफ्टर की वजह से यार, जब आप किक शिफ्टर यूज़ करते हो ना उस टाइम पे भाई टायर बड़ा ज़्यादा वो मतलब ऐसे करता कि वो खा ही जाऊँगा सारे टायर को, तो वो सीन है। बाकी अभी चलते हैं सीधा और मैं आपको बाइक पर मिलता हूँ। ये लो भाई पहुँच गए निखिल के घर। भाई फोन चाह दिया उसके घर पे, अपनी हम लेके आ गए और अभी मेरे को टाइम लग रहा है भाई, अभी मैं जस्ट वीडियो एडिट करने बैठा था, पूरी कंप्लीट हो गई है, लास्ट पार्ट है बस। दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और बहुत बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।